नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। वैसे तो जिंदगी की डोर बड़ी कमजोर होती है, कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। या यूं कहें कि लोग अब जिंदगी की जंग को हारते जा रहे हैं। चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में आए भैयू जी महाराज ने इंदौर स्थित अपने आश्रम में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन बात केवल भैयू जी महाराज की ही नहीं है। पिछले अगर एक दो महीने की बात करें तो कई नामचीन लोगों ने तनाव की बात कहकर मौत को गले लगाया है। आइए आज हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पहले तो शोहरत की बुलंदियों को छुआ और फिर जिंदगी की जंग को हार ली। एक समय था जब मुंबई में अपराध का खूब बोलबाला था। उस समय हिमांशु रॉय ने अपना साहस दिखाते हुए मुंबई से अपराध की जड़ों को उखाड़ने में काफ़ी योगदान दिया था। हिमांशु रॉय ने मुंबई में अपराध शाखा में काम करने के साथ साथ ATS में शानदार काम किया। तेज तर्रार अफसर हिमांशु रॉय मुंबई हमले के साथ साथ 2006 के मुंबई धमाकों की जांच टीम के हिस्सा भी रहे थे। लेकिन अपराधियों को धूल चटाने वाला ये अफसर जिंदगी की जंग हार गया। ठीक इसी तरह से UP के एक अफसर ने भी अपने आप को तनाव की भेंट चढ़ा दिया। नाम है राजेश साहनी। राजेश साहनी का नाम यूपी के उन काबिल अफसरों में गिना जाता था जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया था। साहनी ने यूपी में IAS के आतंकियों को पकड़ने के साथ साथ कई बड़े कामों को अंजाम दिया था। उनकी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्हें 2013 में प्रमोशन मिला था। लेकिन तनाव का दिल और दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपनी जीवन लीला ही खत्म कर ली। इन तीनों ही हस्तियों ने वो शोहरत अपने नाम की जिसकी हर इंसान कल्पना करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि हर ऐशो आराम होने के बावजूद इन लोगों ने तनाव की परेशानी बताकर आत्महत्या जैसे काम को अंजाम दिया है।